मैं शीशपाल चौहान, मैं आप सबका अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए ग्रामर का टॉपिक लेके आया हूँ। द टॉपिक इज अबाउट क्लोजेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रामर एंड मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स डिमांड फॉर दिस टॉपिक। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस टॉपिक बिफोर यू। आज मैं क्लोजेस का टॉपिक आप सबकी डिमांड पे आप सबके सामने लेके आया हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिएगा और आपको मैं अपने तरीके से धीरे धीरे इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर पाऊँगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस ऑफ अ फ्रेज एंड ए क्लोज। यू मस्ट नो व्हाट अ फ्रेज इज, यू मस्ट नो व्हाट अ क्लोज इज। व्हाई डोंट वी कॉल अ क्लोज अ सेंटेंस? क्लोज को सेंटेंस क्यों नहीं कहते जबकि उसमें सब्जेक्ट भी होता है, उसका अपना प्रेडिकेट भी होता है। मींस दोनों एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं सेंटेंस के लिए वो दोनों होते हैं उसमें, फिर भी वो अधूरापन क्यों है क्लोज में, वो बात भी मैं आपको समझाऊंगा। और फ्रेज होती क्या है जान लेते हैं पहले। फ्रेज से शुरू करेंगे फिर हम धीरे धीरे क्लोज को डिफाइन करके मैं आपको सेंटेंस की टाइप्स एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती है। सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और सिंपल सेंटेंस की जो भी टाइप्स हैं वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस को पहचानने का तरीका भी कि एक नज़र में आप पहचान लो कि दिस इज सिंपल सेंटेंस, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। क्योंकि एग्जाम में आपको सेंटेंस दिया होगा, you will be directed to transform the sentence into compound sentence or complex one. तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी होता है कि ये सिंपल है या कौन सी टाइप है। मान लो आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है तो दो ऑप्शन बचे, या तो वो सिंपल है या वो कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स कब होता है सेंटेंस, कैसे पहचान सकते हैं एक बार देखने के बाद, तो वो चीज़ें आपको साथ साथ में समझाऊंगा। और फिर तरीके बताऊंगा कि सिंपल में ले जाना है सेंटेंस तो किस तरह से आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाओगे और क्या उसमें टूल्स आपके पास होंगे, क्या तरीके होंगे जिससे कि आप किसी भी सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स को या कंपाउंड को, सिंपल में ले जा सकते हो। तो ये चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में और इस टॉपिक पे हो सकता है 3 वीडियो बने या 4 बने। मैं हर चीज को, हर टॉपिक को क्लियर आपको करता जाऊं। तो लेट्स बिगिन विद ए फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? इट्स ए क्लस्टर और ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वर्ड्स दैट डू नॉट मेक आउट और फॉर्म ए कंप्लीट आइडिया और थॉट। शब्दों का एक समूह होता है और इंटर रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। ये नहीं है आप कोई वर्ड कहीं से उठाया कहीं से उठाया, जैसे गो, कम, ऑल्दो, माई, योर, ये ग्रुप बना दो वर्ड्स का। दोज वर्ड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मीनिंगफुली वो कनेक्ट होते हैं, बट दे डू नॉट मेक ए क्लियर थॉट, दे डू नॉट एक्सप्रेस द कम्प्लीट थॉट। कम्प्लीट थॉट वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर। हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं इसे, वाक्य नहीं बोलते। सो इट मे बी ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का पार्ट हो सकती है ये फ्रेज, बट नॉट ए कम्प्लीट सेंटेंस, परंतु पूर्ण सेंटेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रेट नंबर ऑफ एनिमल्स मीन्स बहुत से जानवर। अब ये वाक्यांश है, पूरा सेंटेंस नहीं है। अगर आपको कोई ये कहे कि बहुत से जानवर और फिर वो चुप हो जाए, आप देखते रहोगे कि आगे क्या, राइट? तो बहुत से जानवरों से वो सेंटेंस बना सकता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकता है इन्हें। अ ग्रेट नंबर ऑफ एनिमल्स वॉज रनिंग अवे। अब यहाँ पे मैंने वॉज यूज किया और एनिमल्स थे वहां पे, बट ये फ्रेज है, एक यूनिट के रूप में हम ले रहे हैं। ए ग्रेट नंबर, नंबर इज द ऑपरेटिंग वर्ड, नंबर इसमें डोमिनेट कर रहा है, ऑपरेटिंग वर्ड है। और नंबर को देख के जानवरों की एक बहुत बड़ी संख्या, संख्या के लिए आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अ ग्रेट नंबर ऑफ एनिमल्स वॉज रनिंग अवे। क्लोज में क्या होता है? अ क्लोज इज ऑल्सो अ क्लस्टर और ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वर्ड्स। क्लोज भी कनेक्टेड वर्ड्स का ग्रुप होता है, क्लस्टर होती है, समूह होता है। इसमें एडिशन क्या है? फ्रेज दैट इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वर्ड्स, एंड क्लोज इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वर्ड्स। बट इन क्लोज वी हैव टू एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट, इट हैज इट्स ओन प्रेडिकेट। इसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में मेन एलिमेंट क्या होता है? वर्ब का होता है।
सबको पता है। इसको अगर कंपेयर करूं मैं, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट। सेंटेंस में तीन एलिमेंट हुए। नंबर वन, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वर्ड्स, इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहां तक क्लोज और सेंटेंस एक जैसे हुए। बट अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस इट्स कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया। सेंटेंस में कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया क्लियर होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए सेंटेंस। तो क्लोज का एग्जांपल आपको दे रहा हूं। द बॉय हु इज वेयरिंग ए रेड शर्ट इज माय नेबर, दिस इज व्हाट आई वांट। सेकंड सेंटेंस इज दिस इज व्हाट आई वांट। तो सेंटेंस में देखिए आप, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई नेबर, इसमें दो सेंटेंस हैं, दो थॉट हैं। द बॉय इज माई नेबर, लड़का मेरा पड़ोसी है। हु इज रिप्रेजेंटिंग द बॉय, हु का एंटीसीडेंट बॉय है, मीन्स हु स्टैंड्स फॉर बॉय। तो हु की जगह आप द बॉय लिखो, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, लड़के ने रेड शर्ट पहनी हुई है, और द बॉय इज माई नेबर। दो थॉट को आपने एक सेंटेंस में किया। अगर आप इसके दो सेंटेंस बनाते, द बॉय इज माई नेबर, ही इज वेयरिंग ए रेड शर्ट, तो ये छोटे छोटे दो सेंटेंस बनते और जो इतने अच्छे ना लगते। तो दो सेंटेंस में जो आइडिया है, आइडिया इंटर रिलेटेड है। लड़के ने रेड शर्ट पहनी हुई है और वो बोलने वाले का पड़ोसी है, तो इस थॉट को आप मर्ज करके एक सेंटेंस में कह दोगे, तभी क्लोज की जरूरत पड़ती है। तो इसमें बीच में क्लोज जो है, हु इज वेयरिंग ए रेड शर्ट, जिसने की रेड शर्ट पहनी हुई है वो मेरा पड़ोसी है। द बॉय हु इज वेयरिंग रेड शर्ट इज माई नेबर। तो जो भी क्लोज होती है, क्लोज इज इंट्रोड्यूस्ड विद सम कंजंक्शन, क्लोज कंजंक्शन से ही इंट्रोड्यूस होती है। तो सबसे बड़ी पहचान तो यही हुई क्लोज की, कि उसमें कंजंक्शन होता है। पर कुछ एक स्थिति ऐसी होती है, देर आर सम सिचुएशन व्हेन द कंजंक्शन इज ड्रॉप, कंजंक्शन आपको नहीं दिखाई देगा, उसे ड्रॉप कर दिया जाता है। एक दो सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा कब होती है। तो सेकंड में क्या है, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट, व्हाट आई वांट एक क्लॉज है। व्हाट से शुरू हो रही है, जहां तक रीजनेबली वो जाती है, उसका मीनिंग जाता है, तो वहां तक वो क्लॉज बनती है। जैसे व्हाट आई वांट, तो वांट तक ये बनी, व्हाट आई वांट, व्हाट कंजंक्शन हुआ, आई इसका सब्जेक्ट हुआ, वांट इसका वर्ब हुआ। और हु इज वेयरिंग रेड शर्ट में हु सब्जेक्ट है, तब व्हाट इज वेयरिंग ये वर्ब हुआ, वर्ब फ्रेज हुई, एक से ज्यादा है तो फ्रेज है, अदरवाइज वर्ब एक वर्ड का भी हो सकता है, पांच वर्ड तक वो फ्रेज हो सकती है। तो इसमें दिस इज समथिंग, क्योंकि दिस इज कंप्लीट नहीं है, तो वहां ब्रैकेट में हम समथिंग लगा देते हैं, तो समथिंग की जगह वो क्लोज आएगी जो भी मीनिंग को पूरा करेगी। दैट्स व्हाई व्हाट आई वांट इज ए कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब भी कह सकते हैं, बी टाइप वर्ब के बाद ये नाउन क्लोज ही आती है। तो क्लोजेस को तो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है कि क्लोजेस कितनी टाइप की होती है। दो तरह की क्लोजेस हम होती है, मेन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, दैट इज सबॉर्डिनेट क्लोज। इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लोज भी कही जाती है, मेन क्लोज, और डिपेंडेंट सबॉर्डिनेट क्लोज, राइट। इंडिपेंडेंट क्लोज, इट कैन बी इंडिपेंडेंट फॉर इट्स मीनिंग इन ए सिंपल सेंटेंस एंड एज ए कोऑर्डिनेटिंग क्लोज इन ए कंपाउंड सेंटेंस। जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, दैट इज ए सिंपल सेंटेंस, वो एक किस्म से सिंपल सेंटेंस होती है, उसको इंडिपेंडेंट क्लोज कहा जा सकता है। बट क्लोज इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस, क्लोज हमेशा एक लंबे सेंटेंस का हिस्सा होती है, इसलिए सिंपल सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट क्लोज है का रूप होती है। बट इट्स एडवाइजेबल टू कॉल अ सिंपल सेंटेंस अ सिंपल सेंटेंस ओनली। सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लोज आती हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाती है। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस होती हैं, दोज आर इंडिपेंडेंट क्लोजेस। तो कंपाउंड सेंटेंस की पहचान यह होती है, इट हैज टू और मोर कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस, मींस इंडिपेंडेंट क्लोजेस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोजेस होती हैं। और सेकंड टाइप है डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लोज, दैट मेक्स ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन प्रिंसिपल क्लोज एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लोजेस, इट हैज वन मेन क्लोज
और प्रिंसिपल क्लोज एंड वी मे ऑल्सो कॉल इट इंडिपेंडेंट क्लोज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है जिसे हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, कम से कम एक सबॉर्डिनेट क्लोज होती है। तो एक या एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लोजेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो सकते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस को डिटेल में आगे लेंगे हम, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी आगे लेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने दी है। टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड what a phrase is, what a clause is, and we have also defined sentence, the difference between a clause and a sentence, sentence or clause mein kya difference hota hai, ye bhi bataya aapko, compound sentence or complex sentence kaise bante hain, compound sentence mein kis tarah ki clause hoti hai, coordinate clause hoti hai, independent hoti hai, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज होती है, बाकी सबॉर्डिनेट क्लोज होती है जिसे डिपेंडेंट क्लोज भी कहा जाता है, जो मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड करती है। सबॉर्डिनेट क्लोज एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मिक्स्ड सेंटेंस जो होता है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट क्लोज भी आ जाती हैं और ये सबॉर्डिनेट भी आते हैं। वो न्यूज़पेपर में आप लंबे लंबे जो सेंटेंस पढ़ते हो या नावल में जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो वो मिक्स्ड होते हैं। तो हमारे पास तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेके चलेंगे। सो लेट मी कंक्लूड। ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजेज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो क्लोजेज के बेस पे हमारे पास तीन तरह के सेंटेंस हुए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब हम सिंपल सेंटेंस को क्लियर करने जा रहे हैं। अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस को पहचानने का एक ही सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे स्टीक मेथड जिसे कहेंगे, कि इट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। और अब दिमाग में ये सवाल उठा होगा फाइनाइट वर्ब क्या होता है। यही बताना ज़रूरी है, मैं साथ में आपको मटेरियल भी दिखा रहा हूँ। डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं। फाइनाइट वर्ब में आप ऐसे लर्न कर लो जितनी भी फर्स्ट फॉर्म है, या तो एस ई आई एस के साथ या फिर बिना एस ई एस के साथ। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हो, जैसे आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, कुछों के साथ एस ई एस लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो कुछों के साथ नहीं लगता, राइट? क्यों नहीं लगता वो बात की बात है, अलग विषय। फर्स्ट फॉर्म और कहाँ आती है? इंपेरेटिव सेंटेंस बनते हैं जब आप फर्स्ट फॉर्म शुरू में ही लगाते हो, लेट मी गो, कम, रन अवे, रन, कम, लेट, ये सारी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब हुए। जब फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है एस या एस के साथ, या फिर वो इम्पेरेटिव सेंटेंस बना रही हो, तब ये फाइनाइट होती है। फर्स्ट फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकती है, राइट? जैसे जितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, तो वो फाइनाइट वर्ब नहीं है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाते हो या नहीं लगाते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हो, उनमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो फाइनाइट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है, जो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाती है, जैसे ही वेंट होम, तो वेंट यहाँ सेकंड फॉर्म है। और जितने भी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड, ये सारे फाइनाइट वर्ब होते हैं। और जितने बी टाइप, डू टाइप और हैव टाइप वर्ब, बी टाइप में इज, एम, आर, वाज, वर, डू टाइप में डू, डज, डिड, और हैव टाइप में हैज, हैव, हैड, जब इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करें, मींस जब इनके साथ एक और वर्ब होता है, जैसे हैज ही गोन, आई हैव डन माय वर्क, हैव और डन आ गया, तो हैव इसका फाइनाइट है, फाइनाइट वर्ब हुआ। जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, तो वुड क्या है? फाइनाइट वर्ब है। लाइक इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये नॉन फाइनाइट अलग से भी वीडियो बनी हुई है मेरी, तो उसको आप देख सकते हो। अनदर फीचर ऑफ ए सिंपल सेंटेंस इज, अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट दैट कैन बी ए सिंगल वर्ड और इट कैन बी ए कंपाउंड वन। दूसरी खास बात सिंपल सेंटेंस की क्या होती है, उसमें सब्जेक्ट होता है जो कि एक वर्ड का हो सकता है या एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तो वो सब्जेक्ट के रूप में नाउन फ्रेज ही होती है, राइट? अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ए सब्जेक्ट दैट कैन बी सिंगल, मींस नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, और ए कंपाउंड वन दैट कंटेन्स नाउन फ्रेज एंड ए प्रेडिकेट दैट कंटेन्स अ वर्ब और वर्ब फ्रेज विद और विदाउट अदर कंस्टिट्यूएंट्स। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है जो एक वर्ड का हो सकता है या एक से अधिक वर्ड्स का हो सकता है, जो कि नाउन फ्रेज होती है, क्लियर?
और उसका प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में वर्ब एक भी हो सकता है और वर्ब फ्रेज भी हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक वर्ड्स भी हो सकते हैं वर्ब में, एंड विद और विदाउट अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वर्ब फ्रेज, वर्ब या वर्ब फ्रेज के अलावा कुछ और शब्द भी हो सकते हैं जिन्हें अदर वर्ड्स कहा जा सकता है, परंतु यहाँ ग्रामर की भाषा में विद और विदाउट अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फ्रेजेस होती हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकती है, प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकती है, तो ये अदर वर्ड्स में आ जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन इज माई फ्रेंड। यहाँ मोहन एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, ये सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट है इज माई फ्रेंड, इज एक ही वर्ब है, बी टाइप वर्ब है। माई फ्रेंड ये अदर वर्ड्स में आ गया, प्रेडिकेट बनता है इज माई फ्रेंड, ये पूरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट को अलग से इसके कंस्टिट्यूएंट्स बताएं तो इज इसका वर्ब है बी टाइप, और माई फ्रेंड ये फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है पूरा है, तो माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, फ्रेंड नाउन है। आगे बढ़ते हैं, ही वर्क्स वेरी हार्ड। आपको नाउन है या नहीं है ये बाद की बात है, सिर्फ इतना जान लो कि ये प्रेडिकेट है। ही वर्क्स, ही सब्जेक्ट हुआ, प्रोनाउन हुआ। वर्क्स वेरी हार्ड ये प्रेडिकेट है, वर्क्स इसका वर्ब है, वेरी हार्ड ये वेरी एडवर्ब है, हार्ड भी एडवर्ब है। ही वर्क्स वेरी हार्ड। और द रोड्स ऑफ आवर सिटी आर इन गुड कंडीशन नाउ। तो इसमें एक से ज्यादा वर्ड्स हैं सब्जेक्ट में, द रोड्स ऑफ आवर सिटी यहाँ तक आप सब्जेक्ट मान के चलोगे। तो सब्जेक्ट ढूंढना हो तो वर्ब से पहले पहले होता है मैक्सिमम, अधिकतर केसेस में। द रोड्स ऑफ आवर सिटी सब्जेक्ट हुआ, नाउन फ्रेज से बना हुआ है, आर सिंगल वर्ब है, इन गुड कंडीशन नाउ ये फ्रेज हुई, प्रपोजिशनल फ्रेज हुई क्योंकि इन से जुड़ी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे, सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस लेते हैं, ये दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसे अफर्मेटिव स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है, हाँ वाले सेंटेंस जो होते हैं इनमें मतलब ना नहीं होती, प्लेन होते हैं सीधे। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू कॉलेज डेली, मैं हर रोज कॉलेज जाता हूँ, ये सारे अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है, ना इंटरोगेटिव है, ना इम्पेरेटिव है, ना एक्सक्लेमेटरी है, ना ऑप्टेटिव है। पांच तरह के ये सिंपल सेंटेंस हुए। तो नेगेटिव इसका असर्टिव का ही दूसरा टाइप है। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये नेगेटिव बन गया, राइट। अब इंट्रोगेटिव लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं, या तो वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं जैसे डू टाइप, हैव टाइप, या इज एम आर वाज वर्ब से शुरू होते हैं, मॉडल वर्ब से भी शुरू हो सकते हैं, कैन आई डू इट, इस तरह से, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। और डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होते हैं जैसे हु, वेयर, वाई, इनसे भी शुरू हो सकते हैं, व्हाट डू यू वांट, हु आर यू, तो ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस तीन तरह से बिगिन करते हैं, फर्स्ट फॉर्म से बिगिन करते हैं, और प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म से बिगिन करते हैं, और डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से बिगिन करते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म से बिगिन हो रहे हैं, आइदर इट इज ऑर्डर और पीस ऑफ एडवाइस। अगर फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं या तो वो कमांड होगी, ऑर्डर होगा, हुक्म होगा, या फिर वो एक नसीहत होगी, जैसे एग्जाम्पल में गो एंड पोस्ट दिस लेटर एट वंस, जाओ ये लेटर अभी पोस्ट करके आओ, तो ये कमांड हुई। बट इट डिपेंड्स ऑन दी स्ट्रेस लेड ऑन दी वर्ड्स। कमांड आमतौर पे कमांड की तरह दी जाती है, अगर सॉफ्टली बोला जाए तो हो सकता है ये कमांड ना रहे, बट फर्स्ट फॉर्म से तो बिगिन होगी, क्लियर। गो एंड पोस्ट दिस लेटर एट वंस, अगर वो कमांड की तरह दी जाती, गो एंड पोस्ट दिस लेटर, इसको कमांड नहीं कहा जा सकता। क्लियर पीस ऑफ एडवाइस जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का आदर करो। तो इसमें सेकेंड टाइप है रिक्वेस्ट, प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होती है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म हेल्प, राइट। प्रोहिबिशन डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। प्रोहिबिशन क्या होती है, किसी को मना करना, जैसे डू नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, डोंट शाउट, तो ये मना कर रहे हो आप, तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, राइट। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म होता है, जो बिंदी टाइप होता है, और कुछ वर्ड्स भी इसके सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, सरप्राइज, जॉय, डिसगस्ट, हुर्रा, अलास, इनसे भी पहचाने जाते हैं, इनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो हुर्रा एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव सेंटेंस आमतौर पे ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी का ही टाइप है, ये मे से बिगिन होते हैं और इनमें या तो प्रार्थना होती है ईश्वर से या किसी की प्रोस्पेरिटी के लिए कोई।
विश की जाती है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह से एंड अप होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सिंपल सेंटेंस हमने लिए और पांच तरह के हमने डिस्कस किए। असर्टिव, असर्टिव में दो तरह के हुए, पॉजिटिव सेंटेंस आई गो टू स्कूल और नेगेटिव सेंटेंस आई डू नॉट गो टू स्कूल। और सेकंड टाइप लिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो तरह के हुए, जैसे आर यू हैप्पी, कोई भी इज एम आर से, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, या व्हाट आर यू डूइंग, ये डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू हो रहा है। फिर लिए हमने इंपेरेटिव, इंपेरेटिव तीन तरह के हुए, फर्स्ट फॉर्म से बिगिन, या तो कमांड होगी या फिर वो पीस ऑफ एडवाइस होगा। पोस्ट दिस लेटर एट वंस, ये कमांड हुई, और रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये पीस ऑफ एडवाइस हुई। प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट होगी, प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म से, मनाही डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से, डोंट शाउट, डोंट मेक ए नॉइस, राइट। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुए, जो आमतौर पे व्हाट ए फूल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, हुर्रा वी हैव वन द मैच, अलास आवर ओनली सन इज डेड, राइट। तो इस तरह से हुए। ऑप्टेटिव में हमने विश और प्रेयर ली, मे यू प्रोस्पर माई सन, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये सारे सिंपल सेंटेंस हुए। अब रिकग्नाइज करने के लिए वही मेथड है, वी कैन रिकग्नाइज ए सिंपल सेंटेंस बाय इट्स ओनली वन फाइनाइट वर्ब, एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, उसे आप रिकग्नाइज कर सकते हो। इफ अ सेंटेंस हैज टू और मोर फाइनाइट वर्ब्स, अगर सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हैं, देन इट इज आइदर ए कंपाउंड और ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा या वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, क्लियर। अब सेकेंड टाइप लेके चलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस दैट एक्सप्रेस सम इंटर रिलेटेड कंप्लीट थॉट, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस से बनता है, कम से कम दो, और जो आपस में इंटर रिलेटेड थॉट से जुड़ी होती हैं। दोनों थॉट्स आपस में रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड थॉट्स हैं, तो कोई कंजंक्शन बीच में जरूर मिलेगा। तो टुडे द कॉलेज इन आवर स्टेट हैव बीन रीओपन्ड एंड दीज विल रिमेन ओपन कंटिन्यूअसली नाउ, तो इसमें कंजंक्शन आप देख रहे हैं एंड, एंड से दो थॉट कौन से थे, दो क्लोजेज कौन सी हुई, टुडे द कॉलेजेस इन आवर स्टेट हैव बीन रीओपन्ड, वन क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज है क्योंकि एंड से जुड़ी हुई है, और दीज विल रिमेन ओपन कंटिन्यूअसली नाउ, दो सिंपल सेंटेंस थे, अगर इनको अलग अलग करके लिखें देन दीज आर सिंपल सेंटेंसेस, एंड से जोड़ दो दे बिकम कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस। अब मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट आपको दे रहा हूँ, अगर आप इनके मीनिंग जान लो, इनको लर्न कर लो, तो जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे सेंटेंसेस को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करोगे तो ये ही काम आएंगे आपके। अगर आप एंड से जोड़ते हो, नॉर से जोड़ते हो, बट से जोड़ते हो, और, बिकॉज, येट, सो, इनसे जोड़ते हो, तो ये कंपाउंड सेंटेंस ही बनाएंगे। आपको कंजंक्शन लर्न करने के लिए फैन बॉयज याद रखिए। फैन बॉयज में 7 कंजंक्शन आ जाएंगे, फैन, एफ स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, और बी स्टैंड्स फॉर बट, ओ स्टैंड्स फॉर और अदरवाइज, एंड वाई स्टैंड्स फॉर येट, एस स्टैंड्स फॉर सो। तो नाइदर नॉर, आइदर और, देयर फॉर, हाउएवर वगैरह वगैरह, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुए जिनसे आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। व्हेन द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ट्रांसफॉर्म ए कॉम्प्लेक्स और ए सिंपल सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड वन, दे मस्ट कीप इन माइंड ऑल द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जब आप सबको सिंपल सेंटेंस से या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाने को कहा जाए, तो आपको इन्हीं कंजंक्शन को दिमाग में रखना कि कौन सा फिट बैठेगा, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका मीनिंग करो और इन कंजंक्शंस को दिमाग में बिठा के कि कौन सा यूज कर सकते हो तो वो कर लो। विच एवर कंजंक्शन सूट्स द मीनिंग शुड बी यूज्ड। एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। जैसे इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट ही विल मिस द ट्रेन, मेक इट ए कंपाउंड सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंपाउंड में ले जाना है और मीनिंग करके देखिए। इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट, लेट होने की स्थिति में ही विल मिस द ट्रेन, वह ट्रेन को मिस कर देगा।
तो इस थॉट को किस तरह से कह सकते हो आप? ये सिंपल सेंटेंस है, पहले तो पहचान लो कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें कोई कंजंक्शन आपको नजर नहीं आ रहा है। फिर भी मान लेते हैं कि कंजंक्शन कई बार गायब होता है, ड्रॉप होता है, तो फाइनाइट वर्ब गिनी है। फाइनाइट वर्ब इसमें इन द इवेंट ऑफ बींग लेट, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। ही विल मिस द ट्रेन, विल हेल्पिंग वर्ब है, एकदम फाइनाइट वर्ब, और सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, तो दिस इज सिंपल सेंटेंस। तो अब आपको इस थॉट को कंपाउंड सेंटेंस में ले जाना है। जैसे लेट होने की स्थिति में वह ट्रेन को मिस कर देगा, अगर आप ये कहो यदि वह लेट हो जाएगा तो वो ट्रेन को मिस कर देगा, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, क्योंकि इफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजंक्शन है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिनकी लिस्ट में आपको आगे दूंगा। और फैनबॉयज में देखिए, आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कंजंक्शंस हैं, तो मीनिंग कौन सा ठीक बैठेगा। ही शुड नॉट बी लेट, अगर हम ये कहें वरना वो लेट हो जाएगा, अगर इसके साथ जोड़े अदरवाइज या और का यूज, एंड से नहीं जुड़ेगा, इसलिए से भी नहीं लगेगा, नाइदर नॉर, आइदर और बिल्कुल फिट नहीं होंगे, और फॉर नहीं होगा, और इसमें फैन बॉयज बट भी नहीं होगा, परंतु वो लेट हो जाएगा, नो वरना लेट हो जाएगा, यदि को रिप्लेस करने वाला, अनलेस नहीं कर सकते आप, इफ नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएंगे। आप ये कहो ही शुड नॉट बी लेट, उसे लेट नहीं होना चाहिए, वरना वो गाड़ी से रह जाएगा, अदरवाइज ही विल मिस द ट्रेन। क्लियर, दिस इज कंपाउंड। अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो आप ये कहते, यदि वो लेट हो जाता है तो वो ट्रेन को मिस कर देगा। इफ ही गेट्स लेट, इफ ही इज लेट, या इफ ही गेट्स लेट, ही विल मिस द ट्रेन, वह ट्रेन को मिस कर देगा। सेकंड सेंटेंस है, टेल मी व्हेन द मीटिंग इज टू टेक प्लेस। इसमें पहले तो जानिए वेदर द सेंटेंस इज सिंपल, आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स, तो या तो ये सिंपल है या कंपाउंड है। कंपाउंड होता तो इसमें दो फाइनाइट वर्ब होने जरूरी थे, और वो जो लिस्ट कंजंक्शंस की थी उनको देखिए, इसमें कंजंक्शन है कोई उनमें से? टेल मी व्हेन द मीटिंग इज टू टेक प्लेस, इसमें व्हेन कंजंक्शन है, व्हेन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और फाइनाइट वर्ब इसके दो हैं, टेल ये इंपेरेटिव है, टेल मी मुझे बताओ आदेश जैसे होते हैं, पास्ट फॉर्म से बिगिन हो रहा है, दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। और दूसरा द मीटिंग इज टू टेक प्लेस इज इसका फाइनाइट वर्ब हुआ, तो दो फाइनाइट है, इट्स ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, व्हेन से ही पता चल जाता है कि दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द डायरेक्शन इज टू चेंज इट इंटू सिंपल सेंटेंस, अब इसको सिंपल सेंटेंस में ले जाना है। सिंपल सेंटेंस में आपको कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करना, ना तो सबॉर्डिनेट ना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो मीनिंग करके देखिए, टेल मी व्हेन द मीटिंग इज टू टेक प्लेस, हिंदी में मीनिंग कीजिए, मुझे मीटिंग का समय बताइए, टेल मी द डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, सीधा हो गया। थर्ड सेंटेंस लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चलेंगे आगे। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही केम टू वर्क, इन स्पाइट ऑफ, ये लर्न कर लो, रट्टा लगा लो इसको, ये फ्रेज है और ये सिंपल सेंटेंस बनाने के काम आती है। बीमारी के बावजूद वह काम पे आ गया, ही केम टू वर्क। तो चेंज इट इंटू ए कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड में ले जाना है। कंपाउंड में कंजंक्शन की लिस्ट एकदम आपके दिमाग की स्क्रीन पे एकदम छप जाने चाहिए, साथ में मैं दिखा रहा हूँ आपको। एंड को रिप्लेस करके देख लो, एंड लगा के देख लो, नहीं लगेगा। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही केम टू वर्क, येट ज्यादा बेटर रहेगा, ही वॉज इल येट ही केम टू वर्क, येट का मतलब होता है फिर भी, स्टिल भी चल जाएगा यहाँ पे, स्टिल ही केम टू वर्क, बट स्टिल ही केम टू वर्क, बट अधिक स्ट्रोंग हो जाता है, येट थोड़ा कम स्ट्रोंग होता है। तो इस तरह से आपको इन्हें कन्वर्ट करना है सेंटेंसेस को, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने समझे, कंपाउंड सेंटेंस के कंजंक्शन आपको याद कर लेने हैं और उनके मीनिंग क्लियर होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और फिर आगे क्लोजेस की तरफ बढ़ेंगे, जो आपके रिलेटिव क्लोज सिलेबस में भी है, एडजेक्टिवल क्लोज जिसे कहा जाता है, वो मैं डिस्कस करूँ। सबॉर्डिनेट क्लोज तीन तरह की होती है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिवल क्लोज और एडवर्बियल क्लोज। पहले एडजेक्टिवल क्लोज लेंगे हम, रिलेटिव क्लोज लेंगे, और फिर नाउन क्लोज, एडवर्बियल क्लोज आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए वेलकम विद अनदर वीडियो, टिल देन हैव ए नाइस डे।